इस होली के मौके पे किचन बोट आपके लिए स्पेशल ड्रिंक लाई है। ये देखिए क्या बढ़िया कलर का आपके लिए ड्रिंक लाई है, कितना बढ़िया और झमिल्टों में बनने वाला ड्रिंक है। जो आपके घर में फ्रूट्स होते हैं उसी से ये बन जाएगा, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। ये देखिए होली के हिसाब से कितना बढ़िया ड्रिंक है। आप ठंडाई बनाने में आपको बहुत टाइम लग रहा होगा, मिनटों में आप इस ड्रिंक को बना सकते हैं, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। अब हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज मॉकटेल होली के मौके पे। चलिए तो ये देखें, ये मैंने चीनी ली, ऑरेंज जूस लिया है, ये भुना हुआ जीरा, ये थोड़ा सा अदरक का पीस, काला नमक, ये कीनू लिया है, मैंने कीनू का ये जूस निकाल दिया है। ये जो जूस है इस कीनू से निकला है, तो चलिए ये देखें कितना बढ़िया कीनू का जूस हमारा निकल गया है। ये मैंने गिलास रख दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑरेंज जूस, जो मैंने कीनू था उसका जूस निकाल लिया था, ये मैंने सारा डाल दिया है। अब मैं साथ में डालूंगी पीसी हुई चीनी, आप अपने हिसाब से डालेगा आपको कितना मीठा चाहिए, मैं तो एक चम्मच डाल रही हूँ, आप दो भी डाल सकते हैं। तो ये आप डालेंगे भुना हुआ जीरा, मैंने जीरे को पहले तवे पे भून लिया था फिर इसको पीस लिया है। तो अब हम इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे काला नमक। तो अब हम ये अदरक को मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, थोड़ा सा पिंच में डालूंगी अदरक। तो अब हम डालेंगे इसमें सोडा, ये देखें ये मैंने सोडा लिया है, ये अब हम डाल रहे हैं सोडा। आप सोडा किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, सोडा डाल के बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बनता है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनता है। तो अब हम इसको कर रहे हैं मिक्स, कितना बढ़िया होली के लिए ड्रिंक रेडी है। अगर आप इसको और भी ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं तो भोलेनाथ की वो जड़ी बूटी है झूमने वाली, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें ये हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है, कितना बढ़िया हमारा ड्रिंक लग रहा है ये। तो अब हम बनाते हैं ग्रेप्स मॉकटेल, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें अंगूर डालेंगे, साथ में पुदीना डालेंगे, ये थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ी सी पीसी हुई चीनी, काला नमक एंड सोडा। ये ग्रेप्स के 7-8 दाने में इसको गिलास में डाल दूंगी, साथ में पुदीना पत्ती है, ये फ्रेश मेरे बगीचे में लगी हुई थी, ये मैं तोड़ के इसमें डाल दूंगी। तो अब हम इसको मडल कर देंगे, ये जो ग्रेप्स हैं एंड मिंट लीव्स हैं इसका जो जूस है वो सारा बाहर निकल आएगा। तो मुझे ग्रेप्स थोड़े से कम लग रही है, मैं थोड़े से होड़ डाल रही हूँ, 12-13 दाने डाल दीजिएगा इसके। ये देखिए इसका जूस सारा निकल आया है, तो अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, एक छन्नी लूँगी मैं, तो ये नहीं तो मुँह में आता है, बच्चे नहीं कई बार लेते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे, सारा जूस इसका निकाल लेंगे। अब हम इस ग्लास में ये थोड़ा सा जो मैंने ग्रेप्स का वो था पल्प था वो डालूंगी, थोड़ा सा पुदीना लीव्स डाल रही हूँ मैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और अब हम साथ में इसमें डालेंगे ये लेमन जूस, हाफ डाल रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने लेमन जूस निकाल के रखा था। ये अब हम इसमें ट्विस्ट डालेंगे, ये है ब्राह्मी, जो हमारा कलर आएगा ये ब्राह्मी से आएगा, तो ये देखें इसे बहुत अच्छा कलर आएगा एंड इसको ये मिक्स एंड वो कर देगा सारा मीठा एंड वो टैंगी फ्लेवर सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। तो हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे, ये आपकी मॉकटेल बोलें या आप कुछ भी जूस बोलें आपका ये रेडी है। ये साथ में हमने थोड़ा सा काला नमक डाला, तो अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे सोडा। क्या बात है, ये सोडा डाल के तो अलग ही बात हो जाती है और इतना टेस्टी लगता है ये। ये डाल के आपकी ये मॉकटेल रिफ्रेशिंग ड्रिंक या आपका सब तैयार है होली के लिए। और लास्ट में वही बात, अगर आप इसमें झूमना चाहते हैं तो भोलेनाथ की आप जड़ी बूटी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया मॉकटेल एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी है, आप इसको पीजिए। ये देखिए इस होली के मौके पे आपके दोनों ड्रिंक रेडी हैं। ये देखें ये ऑरेंज ड्रिंक एंड ग्रेप ड्रिंक रेडी है, हमने इसमें कलर कोई ऐड नहीं किया है। अगर ठंडाई आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस शरबत को पीजिए, इतनी बढ़िया आपके लिए मॉकटेल रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमने रेडी की है। इसमें देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, जब आप किसी को पिलाएंगे और अगर आप खुद पियेंगे तो क्या बात है, बहुत बढ़िया ड्रिंक बनाया है और इतना ओरिजिनल ड्रिंक है ये, इसमें कुछ नहीं हमने ज़्यादा ऐड किया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके एवरीवन, बाय बाय।